लगातार अपने बयानों से सियासत की हवाओं का रुख बदलने वाले कंप्यूटर बाबा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। क्या है हकीकत, देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस सरकार में नर्मदा, शिप्रा और मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष रहे नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा ने सरकार पर हत्या कराने की साजिश जैसे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने ओल्ड सिटी स्थित हनुमान मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, मुझे मारने की साजिश की गई है। दौरे के दौरान बीच रास्ते में सीएम हाउस से फोन आया कि मेरी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई। नर्मदा में अवैध खनन जिस ढंग से लॉकडाउन में भी इतना हो रहा है, उसके तहत मुझे जानकारी मिली कि शिवराज सरकार ने हमारे यहाँ मुझे जो सुरक्षा मिली थी, एक्स श्रेणी सुरक्षा पिछली सरकार ने दी थी, शिवराज सरकार ने वो वापस कर ली है। जन्म मरण, यश अपजस, ये तो विधाता के हाथ में होता है, ईश्वर के हाथ में होता है, पर आज देश में साधु संतों की कैसी हत्या की जा रही है। दूसरी तरफ अवैध खनन को रोक करके शासन की नीति के अनुसार, शासन के मार्गदर्शन पे जो नर्मदा नदियों को बचाने का काम किया, उसके तहत बहुत सारे रेत माफिया हमारे दुश्मन हो गए और हमारे विरोध में बहुत सारे लोग नर्मदा अवैध खनन के तहत उन्होंने मुझे मारने की साजिश की। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि उन्होंने खनन माफिया से लड़ाई लड़ी है, मेरे साथ भी हादसा हो सकता है, लॉकडाउन में भी अवैध रेत उत्खनन जारी है, मेरी हत्या हुई तो शिवराज सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज जिम्मेदार होंगे, सरकार चाहती है कि मैं कांग्रेस का साथ छोड़कर उनके साथ आ जाऊं। मुझे लगता है इस सरकार की मंशा है, शिवराज सरकार की, कि या फिर कंप्यूटर बाबा बीजेपी का सपोर्ट करे, सरकार बनी रहे उसका सपोर्ट करे, अन्यथा जो कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनका कांटा बाहर कर दें, अर्थात ऐसे लोगों की हत्या करा दें। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमें जानकारी भी मिल रही है कि नर्मदा को बचाने के लिए अवैध खनन का जो हमने काम किया, अवैध खनन बचाने कि अवैध खनन ना हो, उसके लिए बहुत सारे रेत माफियाओं से हमने लड़ाई लड़ी, और साथ में आप देख रहे हैं कितने सारे अधिकारियों की, चाहे वो तहसीलदार हो, पटवारी हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सीएसपी हो, एडिशनल एसपी, बहुत सारे लोगों की जान जोखिम में डाल करके और उन्होंने जो काम किया, उसी के तहत मुझे लगता है कि मेरे साथ भी किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है और मेरे मरने का प्लान, मारने का प्लान जिस ढंग से शिवराज सरकार ने तटस्थ किया है, मैं जबलपुर का दौरा में था, रास्ते में ही सीएम हाउस से बार बार फोन आ रहे थे कि तुरंत कंप्यूटर बाबा के गनमैन को सुरक्षा वापस की जाए। कंप्यूटर बाबा ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा और फॉलो गार्ड बहाल करने की मांग की है। कुल मिलाकर कंप्यूटर बाबा एक बार फिर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।